दोस्तों, तो कैसे हो आप सब। तो आज भी हमारे पास काफी सारे और बड़े बड़े एनिमे अपडेट्स हैं, जिन्हें सुनने के बाद आपका आज का दिन बन जाएगा। तो मेरा भी दिन बना दीजिए, और चैनल में न्यू आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और अगर ऑलरेडी सब्सक्राइब करके रखा है तो बेल आइकन को दबा लो। तो चलिए चलते हैं एनिमे अपडेट्स की तरफ। तो हमारा जो सबसे पहला अपडेट है, यह है ड्रैगन बॉल जी की मूवी से लेकर। तो जैसा कि मैंने आपको कल बताया था कि ड्रैगन बॉल जी की जो मूवी है बार्डॉक द फादर ऑफ गोकू, ये आने वाली है 1 सितंबर को, संडे के दिन दोपहर 1 बजे। तो फाइनली यार आज उसका हिंदी डब प्रोमो भी आ चुका है, आप भी देखिए। और अपने बेटे को बचाने का जज्बा, एक आखिरी विजन और एक आखिरी उम्मीद। अब होगी एक इंटर गैलेक्टिक वॉर। बार्डॉक का बेटा करेगा जिसका अंत। देखिए न्यू ब्लॉकबस्टर ड्रैगन बॉल जी बार्डॉक द फादर ऑफ गोकू 1 सितंबर संडे दोपहर 1 बजे ओनली ऑन कार्टून नेटवर्क। तो प्रोमो में आप देख सकते हो कि हमें यार गोकू की या किसी की भी वॉइस सुनाई नहीं देती है, हमें सिर्फ यार नारेटर की वॉइस सुनाई देती है। और नारेटर की वॉइस तो यार माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा यार बढ़िया है, मतलब बहुत ही ज़्यादा बढ़िया। और ये नारेटर वाली ओल्ड ही वॉइस है जो हमने यार ड्रैगन बॉल सुपर का प्रोमो में सुना था, ड्रैगन बॉल जी काई के प्रोमो में सुना था, और ये नारेटर की वॉइस मुझे बहुत ही ज़्यादा यार बढ़िया लगती है। इससे पहले यार एक जो प्रोमो आया था या उसके पहले जो आया था, तो कार्टून नेटवर्क के प्रोमोज में नरेटर की वॉइस चेंज हो गई थी, लेकिन मैं खुश हूँ कि दोबारा से वो पुराने नरेटर वापस आ चुके हैं। तो आपको ये प्रोमो कैसा लगा कमेंट में यार जरूर बताना, और इस मूवी के लिए कितने ज़्यादा एक्साइटेड हो ये भी यार जरूर बताना। हमारा नेक्स्ट अपडेट है माय हीरो एकेडमिया से लेकर। तो जैसा कि आपको पता होगा कि कार्टून नेटवर्क इंडिया पर माय हीरो एकेडमिया खत्म हो चुका है, इसका सीजन 6 खत्म हो चुका है। और बहुत सारे लोगों के सवाल थे कि अब ये खत्म हो गया है तो संडे के दिन अब इसके बदला क्या आएगा। तो देखो 11:30 बजे जो माय हीरो एकेडमिया के यार एपिसोड्स आते थे, तो मे भी अब उसके जगह पर माय हीरो एकेडमिया का जितने भी मूवीज आई थी उनका ही रिपीट टेलीकास्ट किया जाएगा। और बात रहा सीजन 7 का, तो शायद से वो आपको 2025 तक देखने को मिलेगा। हमारा नेक्स्ट अपडेट है पोकेमोन सन एंड मून से लेकर। तो जैसा कि आपको पता होगा कि कल से ये सुपर हंगामा पर यार शुरू हो चुका है, और कल यार इस पोकेमोन में यार सबसे बढ़िया चीज मुझे ये लगी कि इसका जो थीम सॉन्ग था वो हिंदी में डब किया गया था। मतलब यार थीम सॉन्ग यार सुनने के बाद मैं यार पुराने जमाने में चला गया था, मैं 2003 के यार टाइम में चला गया था जब कार्टून नेटवर्क पर जो भी एनिमे आते थे, चाहे ड्रैगन बॉल जी या पोकेमोन या नारुतो, तो सबका यार थीम सॉन्ग यार डब किया जाता था। लेकिन अब कोई भी चैनल थीम सॉन्ग डब करता ही नहीं है, ना ही कार्टून नेटवर्क इंडिया डब करता है और ना ही सोनी ये करता है। लेकिन मैं खुश हूँ कि सुपर हंगामा ने पोकेमोन का थीम सॉन्ग को डब किया था, और थीम सॉन्ग यार वाकई में काफी ज्यादा बढ़िया था। हमारा नेक्स्ट अपडेट है जुजुत्सु काइसेन से लेकर। तो जुजुत्सु काइसेन के जो यार ऑथर हैं उन्होंने बताया है कि जो इसका स्टोरी है वो 5 चैप्टर्स में खत्म हो जाएगा, और इसका जो कहानी है जो इसका एंडिंग होगा, तो जुजुत्सु काइसेन फैंस को ये एंडिंग बहुत ही ज़्यादा यार बढ़िया लगेगा। और जो इसका एंड होने वाला है चैप्टर, ये शायद से 30 सितंबर को एंड हो जाएगा, और मे भी ऐसे रूमर्स यार फैल रहे हैं कि शायद से गोजो वापस आ जाएगा। आई डोंट नो आएगा या नहीं, लेकिन ऐसे तो यार रूमर्स फैल रहे हैं। हमारा नेक्स्ट अपडेट है हाईक्यू शो डाउन एट दी गार्बेज डंप, और इसका यार न्यू की विजुअल यार बाहर आया है जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। हमारा नेक्स्ट अपडेट है एनिमे मूवी से लेकर जिसका नाम है गार्डन ऑफ रिमेम्बरेंस। तो ये एनिमे शेड्यूल हुआ है 30 अगस्त 2024 के लिए। हमारा नेक्स्ट अपडेट है हंटर एक्स हंटर के मांगा से लेकर, तो ये रिटर्न करने वाला है 7 अक्टूबर 2024 में। हमारा अगला अपडेट है गुड बाय ड्रैगन लाइफ एनिमे से लेकर। तो इसका नया की विजुअल आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, और इसका प्रमोशनल वीडियो भी बाहर आ चुका है, और ये एनिमे यार शुरू होने वाला है अक्टूबर 2024 से। हमारा नेक्स्ट अपडेट है ओसिनो को और सुकुमिची मूनलिट से लेकर। तो इसका यार प्रीमियर होने वाला है एनिमेक्स चैनल में, और ये अक्टूबर में होगा। हमारा नेक्स्ट अपडेट है जापान से लेकर। तो वर्ल्ड यार बहुत ही ज्यादा शॉक्ड है जापान के ये अपकमिंग एनिमे से लेकर, जैसे कि द ओल्ड मैन रिकार्नेटेड एज अ विलनेस, इसके बाद इफ माई वाइफ बिकम्स एलिमेंटरी स्कूल स्टूडेंट, और भी बहुत सारे एनिमे हैं।
तो उनके नाम आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा तो पढ़ लेना। हमारा नेक्स्ट अपडेट है ब्लू लॉक के सीजन 2 से लेकर, तो इसका जो टाइटल होने वाला है वो होने वाला है U20 वर्सेस ब्लू लॉक। हमारा नेक्स्ट अपडेट है ऐसे मांगा से लेकर, जो कि इस वीक ब्रेक पर जाने वाले हैं, उनके नाम आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा तो पॉज करके पढ़ लेना। हमारा नेक्स्ट अपडेट है स्ट्रॉन्गेस्ट मैजिशियन इन डीमन लॉर्ड आर्मी, तो इसमें होने वाले हैं यार 12 एपिसोड। हमारा नेक्स्ट अपडेट है विच वॉच एनिमे से लेकर, जो कि एयर होने वाला है अप्रैल 2025 में, और इसका ट्रेलर बाहर आ चुका है। हमारा नेक्स्ट अपडेट है कोमी सान कान कॉम्युनिकेट, तो इसका मांगा जाने वाला है ब्रेक पर। इसके बाद ओसी नोको का जो मांगा है ये भी ब्रेक पर जाने वाला है। हमारा नेक्स्ट अपडेट है नारुतो एक्स टीनेज म्यूटेंट निंजा टर्टल से लेकर, तो इसका जो यार क्रॉसओवर कॉमिक्स आने वाला है, तो इसका नया कवर पेज बाहर आया है। हमारा अगला अपडेट है डेंडाडन टीवी एनिमे से लेकर, तो ये सीरीज स्टार्ट हो रहा है 3 अक्टूबर 2024 से। हमारा जो नेक्स्ट अपडेट है ये है थालापति विजय से लेकर। मैं जानता हूँ ये एनिमे अपडेट्स है, लेकिन ये भी मैं यार न्यूज कवर कर ले रहा हूँ क्योंकि ये भी डबिंग से रिलेटेड है। तो जो इनका यार नया फिल्म आने वाला है जिसका नाम है गॉट ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, तो इसका हिंदी ट्रेलर यार बाहर आया है। और जब से इसका हिंदी ट्रेलर बाहर आया है, लोगों को यार इसका हिंदी डबिंग बहुत ही ज्यादा वाहियात लग रहा है। लोगों का कहना है कि थालापति विजय में जो वॉइस डाली गई है वो बहुत ही ज्यादा यार घटिया है, बिल्कुल भी मैच नहीं कर रही है। जैसा कि आपको पता होगा कि जो सानूर मिर्जा है उनकी वॉइस थालापति विजय में बहुत ही ज्यादा सूट करती है, और उन्होंने लगभग यार बहुत सारे मूवीज में इनको यार डब किया है, जैसे कि मार्शल, भैरवा, थेरी, कैथी, डेंजरस खिलाड़ी 3 और भी बहुत सारे, और इनकी वॉइस यार बहुत ही ज्यादा मैच करती है। संकेत मात्रे ने थालापति विजय को सिर्फ एक फिल्म के लिए डब किया है, वो है विजय दी मास्टर के लिए, लेकिन शाहनूर मिर्जा ने बहुत सारे मूवीज के लिए डब किया है। तो यार शाहनूर मिर्जा की वॉइस बहुत ही ज्यादा यार सूट करेगी, और जितने भी फिल्म यार अभी तक निकली है थालापति विजय की, जैसे कि जो वारिसु निकली थी जिसमें यार डब किया था सचिन त्यागी ने, तो उसमें भी बहुत सारे लोग कह रहे थे कि यार शाहनूर मिर्जा की वॉइस रहती तो ज्यादा यार बढ़िया रहता। फिर जो लियो निकला जिसमें यार डब किया था कृष्णा अभिषेक में, तो उसमें भी लोगों का यही कहना था कि शाहनूर मिर्जा की वॉइस रहती तो ज्यादा सही रहता। और अभी जो फिल्म निकली है गोट, तो इसमें यार इसको डब किया है मेरे अंगने में। अगर आपने सीरियल देखा होगा जो कि स्टार प्लस पे आता था 2015 में, तो उसमें एक जो यार एक्टर थे जिनका नाम है वरुण बडोला, तो इन्होंने इस बार यार डब किया है थालापति विजय को, और इनकी वॉइस सच में बहुत ही ज्यादा वाहियात लग रही है। तो जो भी यार इस फिल्म को हिंदी में डब कर रहा है, उसका कोई टीम मेंबर ये वीडियो देख रहा है, तो भाई प्लीज इसकी वॉइस चेंज करो, और सानू मिर्जा की वॉइस यार लाओ इसमें, क्योंकि उनकी वॉइस बहुत ही ज्यादा यार सूट करती है थालापति विजय में। हमारा अगला अपडेट है ब्लैक क्लोवर फैंस के लिए, तो फाइनली यार ब्लैक क्लोवर का सीजन 2 हिंदी डब के साथ स्ट्रीम हो रहा है एनिमे बूथ पर। मतलब अब आपको इसका एपिसोड 51 देखने को मिल सकता है, और इस अपडेट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सेनपाई नेटवर्क का। हमारा नेक्स्ट अपडेट है क्रंची रोल से लेकर, तो फाइनली डॉक्टर स्टोन का सीजन 2 हिंदी डब के साथ स्ट्रीम हो रहा है क्रंची रोल पर, और इसके जो हिंदी डबिंग कास्ट हैं वो भी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। और इस अपडेट के लिए सस्ताव टाकू का यार बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा अगला अपडेट है डैट टाइम आई गॉट रिकार्नेटेड एज अ स्लाइम OAD से लेकर, तो इसका हिंदी डबिंग यार कंप्लीट हो चुका है, और इस अपडेट के लिए एनिमे वर्ल्ड 61 का बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारा जो सबसे आखिरी अपडेट है ये है नारुतो शिपुडेन से लेकर, और जो ये अपडेट है ये हमें दिया है गोकू ऑफिशियल रियल ने। तो उनसे हमें यार पता चला है कि नारुतो शिपुडेन के जो अभी हाल ही में यार एपिसोड्स आए थे, जिसमें जो किसामे और जो सासुरी है उनकी वॉइस आपको यार अलग सुनाई दे रही होगी, जिसको यार अंशुल सक्सेना ने डब किया था। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि हम कुछ भूल रहे हैं। तो भी यही तो मैं भूल रहा था, शायद ये कोई जुत्सु है जो देदरा ने सेट किया हो। मुझे ये लड़का अपनी टीम में किसी भी कीमत पर चाहिए। यकीनन बहुत फुर्तीला है, लेकिन खतरों से खेलने का ज्यादा शौक है इसे। तो गोकू ऑफिशियल रियल का यार कहना है कि उन्होंने यार इनके वॉइस एक्टर से बात की थी, जैसे कि जो किसामे के वॉइस एक्टर है इस ठक्कर, तो उनसे उन्होंने बात की थी। तो उनका कहना था कि स्टूडियो की तरफ से उनको कोई भी यार कॉल नहीं गया था, क्योंकि वो अपने यार करेक्टर के लिए बहुत ही ज्यादा यार सीरियस हैं। अगर 50 सेकेंड का भी यार कोई सीन होता है किसामे का, तो वो डब करने के लिए रेडी रहते हैं, लेकिन उनको कोई भी कॉल नहीं किया गया था स्टूडियो की तरफ से, तो इसलिए वो यार चाहकर भी उस करेक्टर को डब नहीं कर पाए। और यही यार अंकित गोस्वामी पर भी यार लागू होता है कि उनको भी शायद स्टूडियो की तरफ से कॉल यार नहीं किया गया था। और यार इस बार जो यार किसामे का लाइन था, अगर 1-2 मिनट का यार सीन रहता तो समझ में आता कि हाँ चलो ठीक है किसी से भी डब करवा लिया, लेकिन किसामे का यार अच्छा खासा यार
स्क्रीन टाइम था, लेकिन फिर भी यार पता नहीं यार स्टूडियो वालों ने उनको कॉल क्यों नहीं किया। मतलब यार जो डबिंग डायरेक्टर है पता नहीं यार वो क्या कर रहे हैं। मतलब नारुतो हिंदी डबिंग को यार वो कभी अच्छा कर देते हैं, कभी यार बेकार कर देते हैं, तो समझ में नहीं आ रहा यार कि क्या यार बोला जाए। साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा कि अंशु सक्सेना ने बहुत ही सारे करेक्टर्स को डब कर दिया है, बहुत ही सारे। जैसे कि जो कंकुरो है उसको तो डब किया ही है, फिर नेजी को डब किया है, मिनाटो को डब किया है, सासुरी को डब किया है, किसामे को डब किया है, फिर एक यार कोई ऑफिस में बंदा होता है उसको भी डब किया है। इसके बाद जो सुनाडे का लवर रहता है ये, इसको भी यार डब किया है। मतलब यार बहुत सारे करेक्टर्स को उन्होंने यार डब कर दिया गया है। और आपको बताना चाहूँगा कि जो कास्टिंग डायरेक्टर थे, जो कि यार पहले नारुतोज़ के एपिसोड्स में यार कास्टिंग किया था, तो उनकी यार कास्टिंग बहुत ही ज़्यादा बढ़िया थी। इनफैक्ट कि उन्होंने नारुतो शिपुडेन के एपिसोड 50 तक में भी यार कास्टिंग की थी, लेकिन बाद में कुछ यार बजट का इशू था जिसकी वजह से उनको यार ये छोड़ना पड़ा। और अब यार जिस तरह से डबिंग डायरेक्टर कर रहे हैं कि यार किसी से भी यार कोई भी करेक्टर डब करवा ले रहे हैं, तो मुझे तो यार डर ही लग रहा है कि जब माद्रा का एक्चुअली में एंट्री होगा, जो यार वार होगा निंजा फोर्थ ग्रेड वार, तो वहां पर कहीं यार माद्रा की वॉइस साहिल वैद की जगह मनोज पांडे से ये लोग डब ना करवा ले। और एक चीज और पता चली है कि नारुतो शिपुडेन का जो यार डबिंग चल रहा है तो वो अभी डेडलाइन से बहुत पीछे है। मतलब सोनी को जो यार एपिसोड से यार डब करके देना है, तो उससे यार डेडलाइन से वो बहुत ही ज्यादा पीछे हैं। तो शायद इसलिए ये एक वजह हो सकती होगी कि स्टूडियो में जो भी आर्टिस्ट होंगे उनसे ही यार ये लोग डब करवा रहे होंगे। तो गाइस आपका इस बारे में क्या सोचना है कमेंट में यार जरूर बताना। चलो टाटा बाय बाय।